है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश में। आज हम टाइम है वर्क का पार्ट फोर लेकर के आए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा बैनर पर। ठीक है, तो तीन अभी तक हम टाइम एंड वर्क का तीन पार्ट डाल चुके हैं, तीन वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जा करके वीडियो देख लीजिए, वीडियो वाला लिंक में जा करके। ठीक है, और ये आज का चौथा वीडियो है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे का समय लेता। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर ए ने काम अकेले काम किया होता तो 63 घंटे का समय लेता पूरा काम खत्म करने के लिए। ठीक है, बी का हिस्सा क्या होगा पूछ रहा है, इसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है कि क्या होगा यदि ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त कर लेता है। कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा यदि वो ए और बी दोनों मिल करके 36 घंटे में काम को समाप्त कर लेता है, और इसके लिए 36 घंटे समाप्त करता है और इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है, 36 घंटे में समाप्त करने के लिए उसे 5950 रुपया दिया जाता है। 5950 रुपये में बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में सारा क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, आप वहाँ से सारा क्वेश्चन दे करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी तक जो वीडियो बनाते आए हैं, जैसा क्वेश्चन बनाते आए हैं, बस उसी मेथड बनाएंगे और कुछ बेसिक और एडवांस मेथड से बना करके इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इसमें ए का जो बनाता है, ए 63 घंटा समय लेता है, ए लेता है समय 63 घंटा समय लेता है। बी जो ए और बी मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर जो समय लेता है वो लेता है 36 घंटा समय लेता है। ठीक है, जैसा कि हम पिछला वीडियो से बनाते हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, इसके दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा 252। ठीक है, एलसीएम आप लोग निकालने आता है, एलसीएम आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा, कट जाएगा, और ए प्लस बी का 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बार में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी 4 हो गया और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमको निकालना है बी का। ठीक है, इसमें बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा ए प्लस बी 7 है, तो अगर ए 4 है तो 7 में से 4 घटा देंगे तो वो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हमको मुझे पता चल रहा है कि बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, हमको निकालना बी का है, तो बी क्या करेंगे 3/2, और देखो इसमें टोटल एफिशिएंसी कितना है, 7 है, 7 मल्टीप्लाई टोटल रुपया कितना है, 5950 रुपया है, 5950 रुपया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे, 7×8=56, 4×3/5=7×5=35, 850 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8×3=24 मतलब 2550 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 2550 आपको बी नंबर ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हम एक और मेथड बताते हैं। ठीक है, एक और मेथड में क्या हो सकता है, इसको देखिए, ये क्या रहा है कि ए देखिए ए है, ये बी प्लस ए है। ठीक है, बी प्लस ए दोनों है, एक समय लेता है 63, ये लेता है 36। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, इसको रेशियो बदलने के लिए ये पलट जाता है, एक दूसरे से चेंज हो जाता है, ये 36 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो में आ गया, काटेंगे 9 से काटेंगे, 9×6=36, 9×7=63 हो गया। ठीक है, एक एफिशिएंसी 4 निकल गया और बी का एफिशिएंसी 7 निकल गया, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर बी का एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा, इस हिसाब से 3/3 कर देंगे, 7 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ये 5950 कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे, वही सेम आ गया, यहाँ पे दोनों सेम हो गया। इस तरह से यहाँ पर आप आंसर निकाल लीजिएगा, इस हिसाब से यहाँ भी आपको 2550 इसका उत्तर निकल जाएगा, जो हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए।
क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अगर अच्छा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन देखे भी भागिएगा मत, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बी की दक्षता ए से दो गुनी अधिक है, मतलब दोगुना से अधिक है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों ने एकांतर दिनों में काम करना शुरू किया। एकांतर दिनों का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक दिन तू कर, एक दिन हम करवो, एक दिन मतलब एक दिन तू सूत, एक दिन हम काम करिए, एक दिन हम काम करिए, एक दिन तू सूत, ठीक है। मतलब एकांतर दिनों का मतलब ये होता है कि एक दिन गैप करके, ठीक है। बी ने काम करना शुरू किया, काम कौन स्टार्ट करता है, बी ने किया, और कुल 37 दिनों में काम पूरा कर देता है, 37 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, सी अकेले कार्य 50 दिनों में पूरा करता है, सी अगर अकेले उस काम को करता है, मतलब रोज करता है, अकेले करना मतलब रोज करता है, ठीक है, तो वो 50 दिनों में करता है, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में काम करेगा। तो कह रहा कि भाई तू सब बहुत दिन सुता सुता बोल काम, मतलब रुका रुकोल करके कर लिया, चलो अब ए और सी दोनों आदमी मिलकर करते हैं, तो फिर बताना कि ए और सी मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल काम इसमें ए और बी एकांतर दिनों में एक दिन एक एक दिन काम करता है, 30 से 37 दिनों में समाप्त होता है। 37 दिनों में काम समाप्त होता तो दोनों मतलब एक दिन गैप करके काम करता है, तो 18 दिनों 36 होता, तो 18 दिन तो दोनों काम किया, लेकिन एक दिन में कोई एक आदमी या तो ए या बी एक दिन ज़्यादा काम किया, जो 37 दिन टोटल काम है। तो जो काम स्टार्ट किया है, ठीक है, वही काम एक दिन ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो शुरू करेगा वही अंत करेगा, ठीक है। तो ये बी करेगा 19 दिन, ठीक है, ये 19 बी ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 ए, ठीक है, 18 ए हो गया। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, बी की दक्षता ए से दुगुनी है, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ पे दक्षता, यहाँ पहले पर दक्षता दिया गया है, बी की दक्षता ए से, मतलब अगर ए है, ये ए है और ये बी है, ये अगर ए एक है तो ये 3 है, मतलब दुगुनी से अधिक है, मतलब ये एक है तो ये 3 है, ठीक है। तो बी बी यहाँ बी को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से करना पड़ेगा, और ये 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से, इसका एफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 57 हो जाएगा, प्लस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। इस तरह से टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 75, ठीक है, 75 हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हमारा कह रहा है इसमें कि सी अकेले इस काम को 50 दिनों में करता है, सी अकेले इस काम को 50 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका एफिशियंसी हमको निकालना है। टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 75। अगर सी बराबर हम कर देते हैं, सी बराबर अगर 75 में हम डिवाइड करेंगे, 50 दिन से करता है, 50 दिनों से काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो इससे आपसे निकल जाएगा 1.5, मतलब डेढ़ काम वो एक दिन में करेगा, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि ए और सी मिलकर, मतलब ये दोनों मिल करके, चल दोनों आदमी करते हैं, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में करता है ये हमको बताना है। देखिए तो अब निकालना हमको ए प्लस सी निकाल देना है, ठीक है, ए प्लस सी निकालना है। टोटल वर्क हमको पता है 75 है, ठीक है, एक है किससे, सी एक है, इसका डेढ़ है, एक और डेढ़ जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, ये आप लोगों को पता होगा 2.5, ठीक है। इसको अगर इधर करेंगे तो ये 10 यहाँ बचा जाएगा, ठीक है, 25 दिया 75 हो जाएगा, 10 दिया 30, यहाँ लिख दीजिए 10 दिया 30, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, 30 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये 30 हमारा आंसर निकल के आ गया। उन लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और पिछला वीडियो जो हम आईटी से रिलेटेड डाला था सिंबल का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछे थे कि अर्थ किसे कहते हैं, उसमें एक हमारा फ्रेंड परवीन नाम का जो फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने कमेंट करके बताया था, बहुत ही अच्छा सटीक जवाब था उसका, बहुत धन्यवाद उसको, ठीक है। इस तरह से अगर जो भी हम कुछ कहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, जो भी कुछ सुझाव भी हो तो कमेंट करके को जरूर बताइए। देख लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन ही करेंगे कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग ही कहिएगा कि बड़ा वीडियो, क्योंकि बड़ा वीडियो बच्चे को पढ़ने में मन लगता नहीं है, तो 5 वीडियो हम करेंगे, आप लोग टोटल वीडियो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए,
ठीक है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेरा चैनल नया है तो इसके कारण मुझे कोई पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो बस आप लोग जो हम मेरे लिए कर सकते हैं बस उतना कीजिए, और विशेष आप लोग कुछ नहीं, बस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो कुछ फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिए, जिससे सब्सक्राइब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24, 20 और 18 दिनों में काम क्रमशः काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं जो 24, 20 और 18 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वह 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं। बी और सी काम को शुरू करता है, बी और सी काम शुरू करने के 6 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। तो कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना आवश्यक दिनों की संख्या और होगा, मतलब कह रहा है जो काम बच जाएगा उस काम को करने के लिए ए को और कितने दिनों की ज़रूरत है। ठीक है, इसी को हमको बनाना है। ये छोड़ने छाड़ने वाला बड़ी प्रक्रिया टेंशन वाली होता है। ये कहता है कि इसमें काम छोड़ दीजिए और शादी से पहले गर्लफ्रेंड छोड़ दीजिए, मतलब दोनों में उतने लफड़ा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बनाना तो है ही। कह जो रहा वही हम करते जाते हैं, ए हिसाब से हो जाएगा 24, बी 20, सी 18। इसका एलसीएम आप लोग बनाइए। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 360। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा 360 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 तो हो जाएगा, ये 5 मरतबे हो जाएगा, और ये 0 18 × 36 ये 18 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, ये 15 मरतबे होगा। ठीक है, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 होगा, और ये 20 × 5 = 100 होता है, 20 × 5 = 100, 20 × 18 = 36 और 0 × 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वो ये 18 ये 18 हो जाएगा, 18 ये 20 मरतबे ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। ठीक है, पिछले से 15, 18 और 20 हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। ठीक है, 15, 18, 20 में एफिशिएंसी निकल गया। अब हमारा क्या कह रहा है, टोटल वर्क हमारा 360 है। बी और सी कार्य को शुरू करता है, कार्य शुरू करने के कितने दिन तक करता है, 6 दिनों तक करता है। ठीक, 6 दिन बी और सी को नहीं, इसमें बी और सी ये है, बी और सी को दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी को तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ये बी और सी का एफिशिएंसी 38 हो गया। काम कितने दिनों तक करता है, 6 दिनों तक करता है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 × 4 = 18 = 22। ये 228 इंसान से मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ये माइनस करना है, इसमें से 0 में से 8 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, ये 6 में ये सॉरी 2 यहाँ पे 2 होगा, ये 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, 132 काम बच गए। 132 काम ही मुझे कराना है, ऐसे कराना है। एक अब ये बचेगा 132 × 15 है, 15 इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 मतलब हो जाएगा ये 44/5 हो जाएगा, काटेंगे 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 9 हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, 8 × 4/5 ये हमारा निकल के आ गया ए द्वारा, और शेष काम जो बचा हुआ कार्य को निकाले करने के लिए 8 × 9 = 4/5 समय और चाहिए, जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 × 9 = 4/5, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा कि ए और बी 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करता है तो 40 दिनों में पूरा काम कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करता है, 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर ये छोड़ने छाड़ने वाला बात आ गया, शुरू में छोड़ता है कोई दिक्कत नहीं है, चल नया नया की बात है, लास्ट में छोड़ता है बड़ी कष्ट होता है, वही वाली बात है। लेकिन चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं, जो कहता है करना तो पड़ेगा, और पूरा काम 46 दिनों में समाप्त होता है। अब देखिए, काम छोड़ देने के कारण होता है क्या है कि वक्त लंबा लग जाता है। ठीक है,
वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें कि ये अकेले 50% काम पूरा करता है। करा कि क्वेश्चन में लास्ट में करा कि वह समय ज्ञात कीजिए, पूरा काम 46 दिन में करता है, बचे हुए काम ये करता है, वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय 50% काम किया हुआ था और किसने किया था, ए ने, वह समय हमको बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए और बी है, ठीक है, आप बताइए ए बी से कितना दिन ज़्यादा काम करता है, जो कि सीमित समय समय जितना फिक्स समय था, फिक्स समय से कितना दिन ज़्यादा करता है, 40 दिन में करना था और किया कितना, समाप्त कितना दिन में हुआ, पूरा 46 दिन में समाप्त हुआ, मतलब 6 दिन ज़्यादा लग गया ए को, लिमिट समय से ज़्यादा लग गया। बी जो है, बी जी लिमिट समय से कितना दिन कम काम किया, ये 31 दिन काम किया और जो कि काम समाप्त होना था 40 दिन में, मतलब 9 दिन कम से कम काम किया। ठीक, सो काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी लिखेंगे इसका टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, बस सबको जो जो कहता है वो कर देना है। अब हमारा कहता क्या है, देखिए अब देखिए टोटल इफिशियंसी 3×5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टोटल हमको लिमिट समय था 40 दिन था, 40। अब करना क्या, अब हमको कितना पूछ रहा है, कितना परसेंट, 50% कहा गया, 50% 50% कह रहा, 50% का 50% का मतलब होता है कि आधा काम। ठीक, 50% मतलब आधा काम, आधा का मतलब 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, बटे बटे में जिसका निकालना है, निकालना कि इसका ए का निकालना है, ए का एफिशिएंसी आप लोग बताइए, ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये बटे में 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, हमारा आंसर निकाल के आ गया। हम कटेंगे, इसको कटेंगे 20×40 हो जाएगा, 20×5 = 100, 100/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे 33.9 × 1/3% हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में 33.9 × 1/3 कितना, ऑप्शन और फर्स्ट है ये हमारा, इस तरह से हमारा आज का आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग दिखाई देगा, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल देंगे, आप वहाँ से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आज का 4 क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन और कराएंगे, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा MBBA क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता की अनुपात 7:5:6 दिया हुआ है, एक साथ काम करते हुए भी उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, अगर तीनों क्षमता के हिसाब से काम करेगा, एक साथ करेगा तो 35 दिनों में काम समाप्त कर देगा, बी और सी मिलकर काम 21 दिन तक काम करता है और काम छोड़ देता है, बी और सी दोनों छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम ए के द्वारा करने में और कितना समय लगेगा, फिर इसमें भी छोड़ने वाला हाल है, मतलब वही हाल हो जाता है, शादी के बाद अगर गर्लफ्रेंड छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो मिल गई है ना, और पहले छोड़ दे तो बड़ी दिक्कत है, या तो शुरू में छोड़ नहीं तो लास्ट तक ले चल, तो ये लास्ट में छोड़ने वाला बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है, अनुपात दिया हुआ है ए बी सी है, कितना है, 7:5:6 है, 7:5:6, ठीक है, 7:5:6 है, ठीक है, 7:5:6 है। ठीक है, अब हमको इस हिसाब से बनाना है, अब कह रहा है कि 35 दिनों का करता है बी और सी, 21 दिन करने के बाद छोड़ देता है, मतलब 21 दिन करता है उसके बाद काम छोड़ देता है, छोटा जो काम बच जाता है वो काम करता है ए, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं इसको, तो काम मतलब टोटल कितना दिन में कर लेना है काम को, 35 दिनों में, कहने का मतलब ये कि अगर सभी साथ में काम करता तो 35 दिनों में काम समाप्त हो जाता, ठीक है, और पूरा एफिशिएंसी के साथ अगर काम करता तो 35 दिनों में काम समाप्त हो जाता। उसके बाद कह रहा उसके बाद बी और सी काम छोड़ता है, कौन है, बी और सी छोड़ता है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 6/5 = 11 × अब काम कितना दिन कम काम करता है, सो देखना हमको, ए से टोटल वर्क टोटल काम समाप्त हो जाना है 35 दिन और काम से छोड़ देता है 21 दिन में ही, मतलब कम कितना दिन कम काम करता है,
35 में से 35 में से अगर 21 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 14 दिन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 14 दिन। बट अब देखिए हमको निकालना किसका है, ए का निकालना है क्योंकि बच्चा का काम ए ही करता है, तो ए जो है ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 7 है, ये हमारा यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 7 × 14 11 × 22 हो जाएगा, 35 + 22 जोड़ दीजिए इसको, 5 × 7 × 5 57 दिन हमारा आंसर निकल के आ गया, जो बचा हुआ काम ए करेगा 57 दिन में, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 57 इसमें ऑप्शन लिखा है नहीं ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा है, ये ऑप्शन इसमें सर गलत हो गया, इसमें से कोई नहीं है, तो ये 57 दिन हमारा ये आंसर निकल के आएगा, ठीक, ऑप्शन हमारा गलत लिखा गया, 57 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, कुछ टाइप और बच गया, क्वेश्चन तैयार है लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण आज नहीं कर पाए, तो अगले वीडियो में उसको हम कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में बताइएगा कि उसके बाद आप लोग कौन चैप्टर से वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे शोरगुल होता रहता है क्योंकि हम हालांकि रहते हैं शहर में ही है, लेकिन ऐसे तो इलाका में रहते हैं जहाँ पर मतलब काफ़ी बैक इलाका है, इसका शोरगुल होता है, यहाँ पर बर्थडे भी मनाता है तो 4 दिन बजा बजाता है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा शोर हो सकता है, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, आने वाला समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसी साथ वाणी को ख़त्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।